सकते हो गाइस कि कितना सारा देखिए ग्रीस इसमें आ चुका है बाहर। चेन में भी आप देख ही सकते हो कि कितना सारा ग्रीस बाहर निकल चुका है। Hey guys, welcome back to the channel. This is your friend Vishu from Cycle Rider Roy. आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने बाइक के चेन को और उसके गियर्स को डीग्रीस कर सकते हैं और फिर दोबारा उसको ल्यूब कर सकते हैं। मैं बताने वाला हूं कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वो चीज़ें आपको बाज़ार में कितने में मिल जाएगी। तो क्या आप सब तैयार हैं इस वीडियो को आगे देखने के लिए? तो फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक दबा दो ताकि इस वीडियो को हम आगे जल्दी से शुरू कर सकें। तो गाइज़, जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख सकते हो, ये जो बाइक का चेन है इसमें काफ़ी ज़्यादा देखो ग्रीस जमा हो गया। अगर मैं इसके ऊपर अपनी उंगली को इस तरीके से रगड़ता हूँ तो देखो कितना ज़्यादा ग्रीस इसके अंदर आ गया है। तो हम इसको पूरा क्लीन करेंगे। आप ये भी देख सकते हो कि मेरे गियर्स भी काफ़ी ज़्यादा काले हो गए हैं बिकॉज इसमें भी काफ़ी ग्रीस आ चुका है। और हम अपने डिरेलियर के पुलिस को भी हम थोड़ा सा क्लीन करेंगे। तो इस पूरे ड्राइव ट्रेन को क्लीन करने के लिए और फिर दोबारा इसको ल्यूब करने के लिए मैं फ़िलहाल इसको क्लीन करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ जॉरिक 88। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसको। हम इसको पूरे बाइक के चेन में अच्छे तरीके से इवनली स्प्रेड कर देंगे। जिससे हमारे बाइक का चेन पूरे अच्छे तरीके से डीग्रीज हो जाए। अपने बाइक के चेन को डीग्रीज करते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये डीग्रीजर आपके बाइक के डिस्क ब्रेक में या उसके डिस्क ब्रेक के पैड में ना जा पाए। तो आप हो सके तो उसको कवर कर लीजिए या फिर अच्छे से इसको स्प्रे कीजिए बड़े संभल के। हम थोड़ा सा इसके गियर्स के डिरेलियर पुलिस में भी डाल देंगे, थोड़ा सा बहुत इधर, थोड़ा बहुत मैं इधर डाल दूंगा और थोड़ा सा इधर। इसके बाद हम इसको थोड़ा अच्छे से घुमा लेंगे कुछ इस तरीके से, जिससे हमारा डीग्रीजर चेन के हर एक लिंक में अच्छे तरीके से पहुंच जाएगा। थोड़ा सा डीग्रीजर मैं अपने कैसेट में भी लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। और इस तरीके के ब्रश का इस्तेमाल करके हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। अपने बाइक के चेन को भी थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो अपने घर में पड़े हुए एक पुराने टूथब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो टूथब्रश को एक साथ जॉइन करके कुछ इस तरीके का आप ब्रश बना सकते हैं और फिर उसकी मदद से भी आप चेन को क्लीन कर सकते हैं, जिससे आपका चेन एक ही बारी में ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्लीन हो जाएगा। देख सकते हो गाइस कि कितना सारा देखिए ग्रीस इसमें आ चुका है बाहर। चेन में भी आप देख ही सकते हो कि कितना सारा ग्रीस बाहर निकल चुका है। नीचे वाले चेन को भी देख ही सकते हो। इसको अच्छे से एक बार क्लीन करने के बाद हम इसको चेन को एक बार बढ़िया तरीके से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ टिश्यू पेपर्स का। आप चाहो तो आपके घर में पड़े हुए कोई भी पुराने कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं इसको फटाफट एक बार साफ़ कर लेता हूँ। तो गाइज़, आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि हमारा चेन पहले के मुकाबले देखिए कितना क्लीन हो गया है। आप देख ही सकते हो कि हमारा चेन पहले से बहुत ज़्यादा क्लीन है। तो गाइज़, बाइक के चेन को ल्यूब करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बीट्वीन का ल्यूब्रिकेंट। ये एक वेट ल्यूब है क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है, तो मैं एक वेट ल्यूब यूज़ कर रहा हूँ। जब बारिश का सीज़न नहीं होगा तो आप एक ड्राई ल्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक बढ़िया से ल्यूब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपने ल्यूब को कुछ इस तरीके से इसके ऊपर ड्रॉप कर दीजिए, एक कोट हम अपने नीचे वाले में भी डाल देंगे कुछ इस तरीके से। आप अपने बाइक के चेन को इस तरीके से रोटेट कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि मिनिमम 20 से 30 बार आप अपने पेडल को इस तरीके से रोटेट करें, जिससे वो आपके बाइक के सारे चेन के लिंक्स में पहुंच जाए। हो सके तो आप इस पूरे स्टेप को 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में एक बार ज़रूर परफॉर्म करें, या जब भी आपका चेन बहुत ज़्यादा काला हो जाए
तब आप अपने बाइक को इस तरीके से डिग्रीज और ल्यूब कर लीजिए। आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से बाइक के चेन को और उसके गियर को कितने बढ़िया तरीके से हमने डिग्रीज कर दिया और उसके बाद वापस उसको हमने ल्यूब भी कर दिया। कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं आपको देता हूँ इससे पहले कि आप उनको नीचे कमेंट्स में पूछें। आप चाहें तो डिग्रीज करने के लिए अपने घर पे पड़े हुए पेट्रोल से, डीजल से या केरोसिन के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनसे भी अपने बाइक के चेन को डिग्रीज कर सकते हो, बट अगर उनसे जितना कम कर सको उतना ही ज़्यादा बेटर है। बिकॉज पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के तेल से जब आप अपने बाइक के चेन को क्लीन करते हो डिग्रीज करने के लिए, तो उसकी लाइफ को काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो हो सके तो यार आप एक बढ़िया सा डिग्रीजर ही यूज़ करो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थर्ड, आप में से कईयों का क्वेश्चन होगा कि क्या हम मोटरसाइकिल में लगने वाले ल्यूब को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नहीं, मोटरसाइकिल के जो ल्यूब होते हैं वो काफ़ी मोटा होता है, उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से वो बाइक के चेन के लिंक्स के अंदर नहीं जा पाता पूरी तरीके से। तो उसको अगर ना इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बेटर है। मैं कुछ ल्यूब्स के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जो अमेजन में बहुत ही आराम से अवेलेबल है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगा और आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आपके बाइक को किस तरीके से आप मेंटेन करके रख सकते हो उसके चेन को, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल गई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोज लेके मैं आप लोगों के लिए आता रहूँगा। अगर चाहते हो मेरे चैनल के रिगार्डिंग, मेरे रिगार्डिंग और आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए, देन मेक श्योर मेरे को आप इंस्टाग्राम में फॉलो करो। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है @cycleriderroy, जो आपके स्क्रीन में भी इस वक्त आ रहा होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो को लेके। टिल देन कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड ऑलवेज स्माइल। बाय बाय।